अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार लगे रहते, वो भी 8 मिनट के रूपति के मेरे बड़े भाई आदरणीय प्रताप राव जी आउटे। चतरी मराठा समाज का कार्य हम लोग निरंतर करते आ रहे हैं। प्रभोगी गायकवाड़ जो भी आज यहाँ उपस्थित है, साथ ही सादर प्रणाम करता हूं, साथ ही मुखिया जो होता है वो अपने बच्चों के पीछे खड़ा रहता है, और मेरे पीछे हमेशा खड़े रहने वाले भोपाल जी सभी लगातार मराठा जाति को संगठित करने की लक्ष्य को लेकर के हमारी बहन आपका अवश्य दर्ज कराते हैं। उनके साथ में सूरज जी डुमरे, अनिल जी भोगड़े, विनय जी सांकुंडे, अनिल जी जागो, संजय कदम जी उपस्थित है, हमारे डॉक्टर प्रताप राव जी कदम भी यहाँ उपस्थित है। छत्री मराठा समाज में हमारे तीन प्रमुख स्तंभ है। छत्री मराठा समाज धार के अध्यक्ष सम्मानी मुरलीधर जी मोटे जी ने श्री राम मंदिर समिति के संरक्षक लगातार सतत तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, और इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? छत्री मराठा नव निर्माण समिति के माध्यम से प्रतिवर्ष युवक युवती परिचय सम्मेलन फरवरी महीने में आयोजित किया जाता है, और मध्य प्रदेश में यह देवास में सबसे बड़ा सम्मेलन होता है। यह अखिल भारतीय सम्मेलन है। इस सम्मेलन में मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ और अन्य प्रांतों के लोग भी यहाँ पर इसमें युवक युवतियाँ सम्मिलित होती है। इनका पंजीयन किया जाता है और पंजीयन की बुक में उनका नाम वगैरह दर्ज किया जाता है, और स्मारिका इन लोगों को दी जाती है। समिति निस्वार्थ भाव से निःशुल्क आयोजन गत 15 वर्षों से करती रही है, और सभी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को लेकर के बड़े तन मन धन से अपना सहयोग प्रदान करते हैं, और पूर्णतः कार्यक्रम सफल और देवास का नाम गौरवित हो इस उद्देश्य को लेकर के हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं। कितने युवक युवती इस परिचय सम्मेलन यहाँ अभी वर्तमान में जो जानकारी मिली है, इस परिचय सम्मेलन के माध्यम से करीब करीब 40-45 परिवारों के संबंध आपस में जुड़े हैं, जो हमें लेटेस्ट मंच पर जानकारी प्राप्त हुई है, और अच्छा है। हर समाज के लिए बहुत आवश्यक है युवक युवती परिचय सम्मेलन होना, क्योंकि आज प्रत्येक परिवार के घर में विवाह योग्य युवतियाँ और युवक हैं, और एक ही मंच पर अगर ये परिवार जुड़ते हैं तो इससे अच्छा आयोजन मैं समझता हूँ किसी भी समाज के लिए कोई अच्छा आयोजन हो सकता है। सभी को ये आयोजन करना चाहिए, क्योंकि ये हर एक व्यक्ति के परिवार में युवक और युवतियाँ तो है, और उनको निश्चित रूप से उनको अपने उनके विवाह की चिंता रहती है, और ये परिचय सम्मेलन एक प्रेरणादायक परिचय सम्मेलन है। इसको लेकर के देवास में भी अन्य समाज के लोग भी पिछले कई कुछ वर्षों से करने लगे। हाल ही में ब्राह्मण समाज ने भी किया, हाल ही में माली समाज ने भी किया, क्योंकि इसकी आवश्यकता है। ये व्यक्ति के समय और धन की बर्बादी को रोकता है। एक स्थान पर सब लोग अपने बच्चा बच्ची का संबंध स्थापित करें, इससे अच्छा कोई साधन हो नहीं सकता परिचय सम्मेलन के अलावा। आपका नाम? मैं दिलीप बांगरी समिति का अध्यक्ष हूँ, और सभी हमारे ये जो भी है समिति के पदाधिकारी सदस्यगण हैं, सभी का इसमें पूर्ण योगदान सहयोग रहता है।